लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी प्यारी बिटिया अपने जन्मदिन का केक काटेगी। अरे ये क्या चंपा चमेली, बस तमीज रहने दो ना माँ, मेरी छोटी बहनें तो हैं, इन्होंने बुझाया मैंने बुझाया, बात तो एक ही हुई ना माँ। देखा देखा, कुछ तमीज सीखो अपनी सौतेली बहन। अरे जाने भी दो ना बहना, लो मेरी प्यारी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से ये केक काटो। हजारों साल जियो बेटा, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। हमारी रानी बिटिया के लिए ये
प्यारा सा गुड्डा। थैंक यू डैडी। अरे जीजा जी, इसे रानी बिटिया ना कहिए, ये तो महारानी है। बेटा, अपने प्यारे प्यारे मामा को केक नहीं खिलाओगी? जरूर मामा जी। जीती रहो जीती रहो, अरे माँ को भी खिलाओ। शाबाश। ये लो माँ। आगे चलो। चमेली सुनो मेरी बात, सुनो। बेटा मेरी बात तो सुनो। रामू काका, ये केक बच्चों में बांट दो। जी बहुत अच्छा। आओ बच्चों आओ, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कुछ एक्टिंग अपनी बच्चियों को भी सिखा दो। इनसे कहो कि झूठा प्यार करने या दिखाने में कोई पैसे नहीं खर्च होते। उनको क्या कहूँ, मैं तो खुद भी तंग आ गई हूँ एक्टिंग करते करते। नहीं बहना, अब ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है। ये जो अपने सर पे तुम सिंदूर का बोझ लिए फिरती हो ना, ये बस उतरने ही वाला है। जीजा जी को दो दिल के दौरे पड़ चुके हैं और तीसरा दौरा उनका आखिरी होगा। साले साहब, अपनी बहना से क्या बातें कर रहे थे, हमें भी तो बताओ। अरे जीजा जी, एक भाई भला अपनी बहन की खुशियों के अलावा और सोच भी क्या सकता है, और मेरी बहन की सारी खुशियां तो आप हैं। बस आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे जी। साले साहब, अगर दुआ मांगनी है तो ये मांगिए कि हमारा छोटा सा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। ले हमारी बिटिया रानी। अरे होटल के सारे कागज पुष्पा पेन, इस पर जीजा जी के दस्तखत करा के सारी जायदाद अपने और अपनी दोनों बच्चियों के नाम लिखवा ले, जो अब तक उस अनमोल के नाम है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं भैया, अगर अभी से मैंने जायदाद की बात की तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये शादी मैंने सिर्फ पैसे की खातिर। एक बात याद रखना बहना, कि अगर जीजा जी मर गए ना तो सारी उम्र इस अनमोल की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा वक्त आने से पहले मैं अनमोल का गला ना घोट दूं। पुष्पा! अरे तूने ये सिला दिया है मेरी भलाई का। अरे मैंने तो तुझसे इसलिए शादी की थी कि अनमोल को माँ का प्यार मिल जाए, तेरे बेसहारा बच्चों को बाप का प्यार। लेकिन तू तू गेट आउट, गेट आउट। गुड बाय ओ जीजे। और वो शेर को देख के ऐसा भागा, ऐसा भागा। पापा, माँ, माँ क्या हुआ पापा को? माँ बताओ ना। मर गए तेरे पापा। नहीं, पापा, पापा, पापा। मामा जी, हम भी स्कूल जाएंगे। क्या तू स्कूल जाएगी? आज के बाद पुष्पा, अनमोल पर इतना जुल्म करो कि सारी जिंदगी वो हम लोगों से डरी सहमी रहे, ताकि जब वो 18 बरस की हो जाए तो इस होटल को। देख क्या रही है, जल्दी से साफ कर। अरे ओ अनमोल की बच्ची। हाय माँ जी। अरे ओ अनमोल, जल्दी से दूध लेकर आ। लाई चंपा चमेली। चमेली, अनमोल को दुख देके जो मुझे सुख मिलता है, वो मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक कहती है तू, जब तक हमारी किसी हरकत से उसे मार नहीं पड़ती, लगता है दिन बेकार गया। जी दूध उधर रख दो।
साफ कर। जी? सैंडल साफ कर। ठीक है, मैं कपड़ा लेके आती हूँ। ये दुपट्टा क्या अपना मुंह पहुंचने के लिए रखा है? साफ कर। ठीक है। मामा जी, क्या है जी? नाश्ता लाई हूं। अरे तो रख मारे, चल जा। रोच जी, कभी जूस में कॉक, पता नहीं कैसे आया है। जोर से जी। खाने को इतना खाती है, हाथ नहीं चलते इसके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे आ गई मेरी शहजादियां। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं तो थोड़े पैसे चाहिए। पता था मुझे। लो बेटा लो, जितने चाहिए ले लो, लो जाओ जाओ। थैंक यू मम्मी। ध्यान से हाँ, खरीद लेना जो जो चाहिए। जी मम्मी। माँ जी, आज पिताजी की बर्सी है तो क्या करूं? बर्फी बांटू? हाँ। जी अगर 11 रुपए मिल जाते तो उनकी तस्वीर पे चढ़ाने के लिए फूलों का हार लेते हम। फूलों का हार? अरे मैं तो, अरे देखती कैसे मुझे? खबरदार जैसे देखा मुझे, चल। अनमोल, आज बड़े मालिक की बरसी है ना, लो बेटी। पिताजी, बचपन से लेके अब तक यह जिंदगी नरक बन चुकी है। क्या हमें इस नरक से निकालने वाला कोई नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। चल भाई पुत्रा, होटल आ गया। थैंक यू। चल मुदे, चल। यहाँ तक पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। कितने पैसे हुए? और रहने दे पुत्रा, और तूने इतनी अच्छी अच्छी धुनें सुनाई कि सुनकर दिल खुश हो गया। और खुश रहा पुत्रा। धन्यवाद, सत श्री अकाल। चल मुदे। Yes, please. ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर। ओके सर। मैनेजर साहब से कहीं काम आ गए। ओके सर। अच्छा तो तुम हो हमारे होटल के नए सिंगर? जी। और ये कुत्ता? सर ये मोती है, मेरा साथी। मैं हूँ प्रेम, नाइस मीटिंग यू सर। ठीक है ठीक है, आओ तुम्हें होटल के दूसरे बैंड प्लेयर से मिला दूं। ठीक है सर, चलो। चल मोती। होल्ड इट, रेस्टोरेंट में कुत्तों का आना मना है, इसे यहीं रोक दो। मोती तू यहीं रहना, मैं आता हूँ। चलो। बॉयज, इनसे मिलो, तुम्हारे नए सिंगर और बैंड लीडर प्रेम। हाय, आई एम एंथोनी। हाय एंथोनी। हाय, आई एम रॉड्रिक। हेलो। नरेश, किशोर सर, शशि सर, आई एम रवि। सफर साहब का चलो। ठंडी है यहाँ पे।
Okay, okay, now. How's the sound system here? It's okay. Everything is on. Where? Yeah. Is it on? Hello, testing. 1, 2, 3, 4. Hi, sweetie. ये सीटी तुमने मेरे लिए बजाई ना? मैं हाय हैंसम, ये सीटी तुमने मेरे लिए बजाई थी ना? आज सुबह से मेरी आंख फड़क रही थी, लगता था किसी हैंडसम से मुलाकात होगी। जब से पता चला है कि आप आ रहे हैं, रातें करवटें बदल बदल के गुजारी हैं हमने। By the way, I'm Champa. और मैं चमेली। हम दोनों बहने हैं। अच्छा अच्छा नमस्ते। अरे हाँ, वो खन्ना साहब से पूछना भूल गया, मेरे रहने का बंदोबस्त क्या है? ये तो मैनेजर से पूछना पड़ेगा। लो, हमारे होते मैनेजर को पूछने की क्या जरूरत है? चलो ना, चलो। ये क्या? तुम जैसे जितने भी खूबसूरत मर्द यहाँ आते हैं, उनके खाने पीने सोने का इंतजाम हम खुद करते हैं। इस मामले में है ना, हमारी रेपुटेशन सारे हिल स्टेशन पे मशहूर है। गॉड, कहाँ फंस गया मैं? लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। जी। वो भी बिल्कुल अकेले। फिक्र मत कीजिए, हम आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। आइए आपका कमरा। एक्सक्यूज मी मिस, नीचे आइए, नीचे नीचे आइए। चलो मोती, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब और किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेल मत बजाइएगा, सीटी बजा दीजिएगा। शर्माइएगा मत, हम सामने ही रहते हैं, हाजिर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू मोती, लगता है अपनी इज्जत को खतरा है यहाँ। बिल्कुल, पता नहीं अपनी कुंडली में और किस किस से मिलना बाकी है। क्यों? सुनिए, आप वो धुन फिर से गुनगुनाइए ना, मैं उसे संगीत के कागज पर लिख देता हूं। एक मिनट। जी हाँ, हेलो। अरे एक्सक्यूज मी, अजीब जगह है ये, जिसे भगाओ वो गले पड़ता है और जिसे बुलाओ वो दूर भागता है। सुनिए, अरे आपने इतनी अच्छी धुन अधूरी छोड़ दी, उसे पूरा तो कर दीजिए ना प्लीज। अरे इतना अच्छा गुनगुना रही थी आप, लगता है आप में संगीत की समझ है। हाँ जी, बचपन में पियानो बजाया करते थे हम। पियानो? और मैं अकॉर्डियन? अरे मैं इस होटल का नया सिंगर हूँ, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम। क्या नाम है आपका? जी अनमोल। इसके अलावा कोई दूसरा नाम आपका हो भी नहीं सकता था। देखिए आप गुनगुनाइए, मैं नोट करता हूँ। मैं एक मिनट। देखिए ना, शायद वो संगीत के कागज उड़कर आपके पास इसलिए चले गए कि आप उन पर अपनी धुन लिखते हैं। आप लिख लीजिए, मैं लेने आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? जी वो ठीक है मोती, मैं नहीं आ सकता, मेरा साथी तो आ सकता है। ये है मोती, मेरा साथी मोती अनमोल। एक मिनट। जा मोती, फूल देकर हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। मोती,
जिंदगी में पहली बार हमें किसी ने ये फूल भेजा है। लिख दिया हमने वो मोती। सुनने आएंगे ना आप? जी मैं इंतजार करूंगा। चंपा चमेली बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बस आ गए मम्मी। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी। अरे वाह, ए महारानी जी, आप ये बंठन के कहां जा रही हैं? माँ जी हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं होटल शो शो देखने। हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं शो देखने। तो घर का काम काज क्या तेरा बाप करेगा? माँ जी हमने घर का सारा काम कर दिया, झाड़ू कट्टा कर दिया, झूठे बर्तन साफ कर दिए, कपड़े प्रेस कर दिए और हमने रात का खाना भी बना दिया। हाँ सॉरी मम्मी, आ रही मैं, थोड़ी देर हो गई। आए हाय, ये तूने हमारे कपड़े कहाँ से पहन लिए? ये पुराने कपड़े तो आपने फेंक दिए थे। फेंगे तो घर की साफ सफाई के बालों में ऐसे लगा रखा था जैसे किसी प्रेमी ने दिया हो। चलो बेटी चलो, शो को देर हो रही, चलो मेरी रानी जी। फिक्र मत कर अनमोल, प्रेम की आवाज तुम्हें इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दे देंगे। बाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने अपने नए सिंगर प्रेम कुमार को पेश करते हैं। प्रेम कुमार, गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू दोस्तों, जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसके बोल तो मेरे हैं लेकिन धुन किसी और की है जिसका मेरी नजरों को इंतजार है। हम नहीं आ सकते प्रेम, नहीं आ सकते।
से बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। पैगाम दे रही है ये शाम ढलते ढलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। हमारे मना करने के बावजूद तेरी होटल में आने की हिम्मत कैसे हुई? जी, जी मम्मा जी, प्रेम के गाने के पेपर उड़ के हमारे कमरे में आ गए थे, वहीं पहुंचाने गए थे। अच्छा, आज गाने के पेपर उड़कर आ गए थे इनके कमरे में, कल प्रेम का प्रेम पत्र भी आ जाएगा। और अगर प्रेम पत्र के लिए कागज कम पड़ गए तो खुद प्रेम साहब चले आएंगे इसके कमरे में। क्यों, अपने ही होटल में जाने का हक नहीं हमें? हक? राम साथी हक की बात करती है। नहीं मामा जी, हमें मत। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेम। क्या इतनी जल्दी उठा दिया आपने? अरे देखो तो सही, इसमें क्या है? क्या है? अरे वाह, कल रात अगर अनमोल ने हमें नहीं बचाया होता तो हम तो अपने पहले ही प्रोग्राम में फ्लॉप हो जाते। कल रात होटल में आने की वजह से बेचारी को पांव जला दिए गए। पांव जला? जब तक बड़े मालिक जिंदा थे रानियों की तरह रखा था उसे, उनके जाते ही रानी से नौकरानी बना दिया। उसकी सौतेली मां और मामा ने बचपन से आज तक बड़े जुल्म सहे हैं बिचारी ने। हाँ? घड़ी तो बंद है, फिर ये टिक टिक? ये आवाज घड़ी की नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कन की है। यकीन नहीं आता तो पूछो अपने दिल से। हेलो। अरे का 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 मैं, अरे अरे कैसे हो आप? यहाँ क्यों आए? कोई देख लेगा।
देख लिया तो क्या, उन्होंने दरवाजे से अंदर आने को मना किया, खिड़की से तोड़ी। आहिस्ता बोलो बाबा, कोई सुन लेगा। अरे तो सुन ले, तुम खामा खा इतनी घबराती हो। अरे तुमने मरम पट्टी नहीं की? क्या पूछ रहा हूं मैं? मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, आप बैठे ना। क्या ठीक हो जाएगा, तुम बैठो, तुम बैठो इधर, चलो बैठो, कहीं सेप्टिक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो पाँव दो। नहीं नहीं, अरे पाँव दिखाओ, पाँव दिखाओ, मलम लगानी है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, हम दर्दे की आदत नहीं ना हमें, इसलिए आंसू भर आए। तुम इन लोगों के इतने सितम क्यों सहती हो? और हम कर भी कह सकते हैं, बहुत अकेले हैं हम, इस दुनिया में कोई नहीं हमारा। सब जानता हूं मैं, मगर आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना, मैं जो हूं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो प्रेम, अगर तुम्हारी हमदर्दी की आदत हो गई हमें तो फिर तुम्हारे बिना ये दर्द अकेले नहीं सह जाएगा। तुम्हारे नासों की कसम अनमोल, अगर इन्हें मुस्कुराहट में ना बदला तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। अरे कोई बचाओ, अरे सीढ़ी में अटक गया हूँ, कोई बचाओ भाई। अरे क्या मुसीबत है ये रे? अरे कोई है? अरे सीढ़ी मेरे में फंस गई है, मैं सीढ़ी में फंस गया हूँ, अरे कोई बचाओ ना भाई, कोई बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे अरे लगी, अरे 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 आप गिर गई, आप सो सॉरी, आ गई नंबर दो। अरे चंपा चमेली, क्या हो रहा है बेटा? अरे अरे मिसेस सिन्हा, आप भी नीचे गिर गए। खन्ना साहब आप कचरे में, अरे 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 फंस गए, फंस गए, सब फंस गए। You idiot! अरे कचरा साहब, नहीं खन्ना साहब, आपका मुंह तो काला हो गया। छी 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 छी, अरे अभी ठीक कर देते इसमें क्या। ये लीजिए रुमाल, ये लीजिए रुमाल, ये लीजिए सब आगे, अरे आगे करवाइए मत। अरे क्या कर रहे हैं प्रेम? रुमाल लेंगे तभी मुंह साफ होगा। खन्ना साहब लीजिए। रुमाल ले आने ना, मुंह धोने चले गए। वेरी क्या बात, मैं जानता हूँ। चुप, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा आप लोग मदद कर, वेरी गुड वेरी गुड। अरे चंपा जी, मैं आपको करता हूँ ना, मित्र से मैं हाथ देता हूँ आपको। अरे मित्र से ना, चमेली जी आप कैसे रह गई? पानी गिरा क्या? अच्छा किया प्रेम, बरसों बाद अनमोल बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिली है। शाबाश बेटे शाबाश। बड़ा है लेकिन अच्छा है, बाद में से ऑर्डर कर लूंगा। कितने पैसे इसके? बाबूजी सस्ता है, सिर्फ 600 रुपए। 600? एक ये लो अनमोल। परदेसी देखिए, इसके दाम दुगने हो गए क्या? कल तक तो ये जाके 300 में चिल्ला चिल्ला कर बेच रही थी। 300 में देना तो ठीक है, वरना हम आगे जाते हैं। चलो प्रेम, कल का बात कल है, सिर्फ 350 दे दो। अरे 350 ये लो, अच्छी चीज है। क्या तो इसकी बीवी लगती है जो इसका पैसा बचा रही है? आपने हमारे पैसे बचाए, थैंक यू, अच्छी चीज है। हमारे होते हुए यहाँ आपको कोई लूट सकता है क्या? जरा देखो। अजी आपको क्या मालूम, हम तो कब के लूट चुके हैं। अरे पैसे में एक जैकेट लेना था ना, अब एक जैकेट दो आदमी पहन के घूम जाओ। अरे खोलना इसको, अरे बोलो ना हमें छुड़ाने को। अरे खोलना इसको, अरे पीछे से सिप टूट गई है,
लगता है इन दोनों की नई नई शादी हुई है। लगता है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे भैया चिपकने का इतना ही शौक है तो कमरे से बाहर ही क्यों निकले। एक काम करो तुम नीचे जाओ। हाँ तुम नीचे से निकलो। हाँ जाओ अनमोल अनमोल ऊपर 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 ऊपर। मैं नीचे से जाता हूँ। अरे क्या करे इस औरत ने तो फंसा दिया हम दोनों को। प्रेम देखो सारा शहर इकट्ठा हो गया है। या तुम्हें इस जैकेट से निकालो या यहाँ से ले चलो। आइडिया आओ धड़कन हूँ मैं ये तुमने न जाना। अरे बेटी ये क्या बाजार में उस जैकेट वाली ने
हम दोनों को इसमें फंसा दिया। आप हमारी मदद कीजिए ना। ये ज़िप पीछे है, वो ज़िप टूटी हुई है। अब पीछे। अच्छा। शुक्रिया। भगवान तुम दोनों को ऐसे बंधन में बांधे रखे जिसे कोई न छुड़ा सके। ऐसा ही होगा रामू काका, ऐसा ही होगा। लगता है पिताजी हमें इस नरक से निकलने वाला आ गया है। आ गया वो, जानते हैं उन्होंने तो अपने दिल की बात कह डाली हमसे, मगर हम उनसे कैसे कहें कि हमें उनसे प्यार। शर्म आती है ना। अब आप ही बताइए हम अपने दिल की बात किससे कहें। डर लगता है कहीं खुशी हमसे आकर कोई छीन न ले। या वन लैक काउंटर। सॉरी सर, सारे काउंटर खत्म हो चुके हैं। जफर साहब ने इन लोगों के साथ साथ कैसीनो का भी सारा माल जीत लिया है। वाह जफर साहब वाह, दिल्ली से बड़ा नसीब लेके आए हैं आप। हर बाजी आपकी, हमारे कैसीनो को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। जफर साहब हमें भी एक मौका दीजिए कि हम अपने कैसीनो को बचा सकें। डबल और क्विट। मंजूर है। ये रहे 5 लाख के काउंटर्स, तुम जीते तो ये सब तुम्हारे, और अगर तुम हारे तो तुम्हें 10 लाख देने पड़ेंगे। तो ठीक है, नंबर बोलिए। नंबर 9 और मेरा 18। हेलो। वाओ। ओहो। ये बाजी तो आप हार गए जफर साहब। बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खन्ना, कसीनों में जब हमारी एक नजर हसीनों पर होती है तो दूसरी नजर तुझ जैसे कमीनों पर होती है। मैग्नेट, जफर के साथ धोखा, चीटिंग। जफर के साथ धोखा करने का अंजाम जानते हो? मुझे माफ कर दीजिए। चल 10 लाख रुपए निकाल। इतनी बड़ी रकम अभी मेरे पास नहीं है, थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। आई प्रॉमिस यू। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपयों के लिए 10 दिन की मोहलत देता हूँ, और अगर 11वां दिन हुआ तो ये जो 2 तुम्हारी भांजियां हैं ये दोनों उठा ली जाएंगी। चलो धनराज। अरे उठाओ कमबख्तो, उठाओ मुझे, मारा सत्यानाश हो। हट। मामा जी अब क्या होगा? मामा जी हमें बचा लीजिए। मामा जी मोती, देखो मोती, तुमने उस दिन प्रेम का भेजा हुआ फूल हमें लाके दिया था ना, तो आज उनकी छोटी सी तस्वीर हमें लाके दो ना। जो बात हम उनसे कहने से शर्माते हैं उनकी तस्वीर से कह देंगे। Thank you.
अरे पापा, बहुत ही तुमने अरे तुमसे छोटी सी तस्वीर मांगी थी, तुम इतनी बड़ी तस्वीर ले आए जानते हो हम उनसे क्या कहने वाले थे?
काहे जाने ना, लेकिन हम तो सब जानते हैं मुझे इस पे नहीं बेचारे प्रेम पे तरस आ रहा है। अगर मामा जी को पता चल गया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, बेचारा मुफ्त में अपने हाथ पैर और तुड़वा बैठेगा। हाथ पैर तो क्या, मामा जी से जान से मार देंगे। भगवान के लिए मामा जी से प्रेम की शिकायत नहीं करना, हमें जो चाहे सजा दे दो। तू क्या समझती है जो हमारा ना हो सका उसे हम तेरा होने देंगे? हाँ हरगिज नहीं, हम अभी मामा जी को जाकर तेरी प्रेम कहानी सुनाते हैं। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, हम हाथ जोड़ते हैं। अगर तू चाहती है कि हम मामा जी से कुछ ना कहें तो तू वही करेगी जो हम कहेंगे, समझी? हाँ हम वही करेंगे। तो खा कसम तू आइंदा प्रेम से कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी। नहीं नहीं इतनी बड़ी कसम मत दीजिए, अब तो हम प्रेम के बिना जी भी नहीं सकते। तो ठीक है हम मामा जी को सब कुछ जाके बता ही देते हैं। नहीं नहीं रुक जाओ चंपा, रुक जाओ, भगवान के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करो। देखो देखो हम तुम्हारे आगे झोली फैलाते हैं, एक प्रेम का प्यार ही हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आया है। अपनी अपनी बड़ी बहन समझकर ही हमें वो खुशियां भीख भी दे दो, भीख भी दे दो। भीख में तो मामा जी आप तुझे प्रेम की लाश ही देंगे, अपने मरे हुए माँ बाप की फोटो के साथ साथ प्रेम की तस्वीर जरूर लगा लेना और उस पे चढ़ाने के लिए हार के पैसे हमसे ले लेना। भगवान के लिए ऐसी बात मत कहो। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा कुछ ना हो तो खा कसम कि आज के बाद तू प्रेम से कभी नहीं मिलेगी। सोचती क्या है, प्रेम की जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ तेरे हाँ या ना कहने की देर है। आज के बाद हम प्रेम से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, प्रेम से कभी नहीं मिलेंगे। ये इश्क करो क्यों लगाया हमें, क्यों लगाया? क्या हो गया अनमोल, ये क्या हो गया तुम्हें, मुझसे नाराज हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे रूठी हो। जरूरी नहीं कि आपकी हर बात का जवाब दिया जाए। अनमोल ये कल तक तो तुम ठीक थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कल तक जो हुआ वो हमारी भूल थी, लेकिन आइंदा हमसे मिलने की कोशिश नहीं करना। लेकिन क्यों, क्यों अनमोल, मेरा कसूर क्या है? अनमोल मैंने तुमसे प्यार किया है, प्यार मजाक नहीं। बेकार है ये सब बातें, निकाल दो इसे अपने दिल से। अनमोल ये मेरा दिल है, दिल, कोई किराए का मकान नहीं कि जब चाह नोटिस दिया और खाली करवाया। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं प्रेम, ऐसे हम बहुत सताए हुए हैं, हमें और परेशान मत करो। इसका मतलब कल तक जो प्यार तुमने मेरे साथ किया वो झूठ था, नाटक था? तुम्हें जो समझना समझ लो, लेकिन हमें जाने दो। अनमोल छोड़ो मेरा हाथ प्रेम। ये क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई साहब यहाँ छेड़खानी नहीं चलेगी, ये बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी, समझे? भाई साहब आप देख रहे हो लड़की कहाँ पकड़ा, आप लोग गलत फहमी हो रही, मैं इन्हें जानता हूँ। अबे चल चल चल। अनमोल करा
आवाज सुनी है, कहाँ है, कहाँ गया वो? यार क्यों? लगता है मामा जी आपको धोखा हुआ है। Shut up! मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, समझे? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, ये हाँ प्रेम, जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसके बोल तो मेरे हैं, लेकिन धुन किसी और की है जिसका मेरी नजरों को इंतजार है। जी वो हम इस टेप से प्रेम की आवाज सुन रहे थे। अच्छा, यार नहीं तो यार की आवाज सही। मैं ये क्या किया, अपनी जान पे खेल के आने की क्या जरूरत थी? अगर कपड़ों ने आग पकड़ ली होती तो मर जाता। वैसे भी तुम्हारे बगैर जीने से मर जाना बेहतर था। मेरी सर की कसम खाकर कहो अनमोल, तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती थी? मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं, उन कसमों का है जो बेड़िया बनकर हमारे पैरों में पड़ी है। मुझसे ना मिलने की तुम्हें कसमें दी गई थी? लोगों की दी हुई कसमों की लाश तो रख ली तुमने अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर, पर कभी ये नहीं सोचा कि कल से लेकर आज तक तुम्हारी जुदाई की एक एक पल में मैं कितनी बार मर मर के जिया हूं। तो हम भी कहां जिंदा थे प्रेम, अपनी आत्मा पे एक बोझ लिए जी रहे थे। हम मजबूर थे, अगर ऐसा ना करते तो उन्होंने हमें धमकी दी थी कि वो तुम्हें यहां से मार डालेंगे। मुझे बचाने की खातिर तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी? अनमोल, हमने प्यार किया है, कोई कोई गुनाह नहीं किया कि इस तरह हम घुट घुट कर जिए। मैं कल ही तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करूंगा। शादी? हाँ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो माने ना माने, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां होंगी। सच प्रेम? हाँ।
और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। 10 दिन का वक्त खत्म हो गया। तो फिर धनराज भाई तुम ही कोई रास्ता निकालो ना, तो अपना होटल बेच डालो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो ना, होटल तो मेरी भांजी अनमोल के नाम लिखा है। कितनी देर करती तूने? कहां मर गई थी? देखती नहीं मेहमान कब से यहां बैठे हैं? चल रहा किधर? अब जा। क्या नाम है तुम्हारा? जी अनमोल। जाओ। कौन है ये? भांजी है मेरी, सौतेनी। नाचना गाना जानती है? सारा दिन यही तो करती रहती है कमबख्त। खन्ना साहब, समझ लो कि आपके पैसे का इंतजाम हो गया। इंतजाम हो गया, लेकिन वो कैसे? जफर साहब की एक ही कमजोरी है, कुंवारी लड़कियां। और वैसे भी हीरा मंडी में उनसे बड़ी बोली कोई नहीं लगाता। इसको हीरा मंडी पहुंचा दो, इसकी असली पहचान तो वहां के जौहरी करेंगे। पहले इसकी नथ उतरेगी और उसके बाद नोटों की बरसात। अरे 10 लाख तो यूं ही निकल आएंगे। 10 लाख? और अगर कमसिन कुवारी निकली तो 10 के 15 भी ला सकती है। उसमें से 10 आप जफर साहब के दे दीजिएगा और बाकी के 5 50-50। 50-50? लेकिन मैं उसे वहां लाऊंगा कैसे? तरकीब मैंने तुम्हें बता दी है, रास्ता तुम निकाल लेना। ठीक ही तो कहता है धनराज। अरे जहां रोज हजारों लड़कियां बिकती हैं, वहां एक अनमोल भी बिक गई तो कौन सी कयामत आ जाएगी। वैसे भी अनमोल की नजर उस प्रेम पे है और प्रेम की नजर इस होटल पर। नहीं, मैं उस प्रेम के बच्चे को कल ही नौकरी से निकाल दूंगा। गुड मॉर्निंग खन्ना साहब, आपने मुझे बुलाया। वैसे भी आपसे मिलने आ रहा था, मुझे आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना हिसाब करो और दफा हो जाओ। मुझे आपकी नौकरी की परवाह नहीं है, मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। आपको सुननी ही पड़ेगी, मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ। खबरदार, मेरी अनमोल का नाम अपनी जबान से लिया तो। 1,500 रुपया कमाते और मेरी भोली भाली भांजी को फंसा कर उसकी लाखों की जायदाद हड़प करना चाहते हो। उसकी जायदाद पर नजर मेरी नहीं, नजर आपकी है खन्ना साहब, आपकी। मैं तो ये समझ कर आया था कि आप अनमोल के बुजुर्ग हैं, हमारी शादी आपके आशीर्वाद से हो। हरगिज नहीं। तो फिर ये शादी आपके आशीर्वाद के बिना होगी। अनमोल, अनमोल, इन पत्थर दिल लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं, हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। नीचे अनमोल, खबरदार घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो जानती हो ना वरना। अरे इनकी धमकियों की परवाह मत कर अनमोल, चलिया। अनमोल, गार्ड्स, चल अनमोल। मार के फेंक दो इसे बाहर। क्या बात है प्रेम? इसे नौकरी से निकाल दिया है हमने। अगर आपने प्रेम को नौकरी से निकाल दिया है तो हमें भी नहीं करनी आपकी नौकरी। हमें भी नहीं करनी आपकी नौकरी। अरे जाना है तो जाओ, हमने किसी और को रख लिया है। मैं भी देखता हूं खन्ना साहब, आपके ये पहरेदार लोहे के सलाखे
आपके घर की चार दीवारी मेरी मोहब्बत को कब तक रोक के रखती है?
प्रेम की बच्ची। छोड़ो मुझे। फेंक मुदी, फेंक। बचपन से लेके आज तक तू इसे आग से डराते आया ना मामा? हाँ? ये ले और जला दे इन आंखों को जिसने प्रेम को इस दिल तक पहुंचाया है, जला दे इन पैरों को जिसने प्रेम तक जाने में हमारी मदद की, अरे जला दे शरीर को जिसने प्रेम को अपनी बाहों में समेटने की हिम्मत की। चलो लेकिन एक बात याद रखना तुम सब लोग, मैं प्रेम से मोहब्बत करती थी, करती हूं और करती रहूंगी, समझी? प्रेम के प्यार का भूत जो तेरे सर पे सवार है, आज मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पुष्पा कासलेट लाओ। प्रेम? अरे ज्योति कहाँ है? माफ कर दू तुझे, माफी मांग उससे। मुझे माफ कर दे बेटी प्लीज। अरे प्रेम को बोल दे तो ये मुझे जला देगा बेटी, मैं वहां किसी कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाय मुझे माफ कर दे, अरे मुझे माफ कर दे बेटी प्लीज। जा मामा, तुझे माफ किया। शुक्रिया बेटी, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हमें शादी करने से कौन रोकता है। आओ अनमोल। रुक जाओ प्रेम, इस नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में तुम्हें 7 साल की सजा हो सकती है। हाँ हाँ, अनमोल अभी 17 साल की है, 18 बरस की नहीं हुई। तुम्हारा एक भी कदम इस घर से बाहर इसके साथ निकला तो दूसरा कदम तुम्हें जेल पहुंचा देगा। तुम क्या समझते थे कि जिस लड़की के रिश्ते के लिए हमें 15 लाख रुपए मिल रहे थे उसे हम क्यों ही तुम्हारे साथ जाने देते? आपने हमारा रिश्ता हमसे पूछे बगैर कर दिया। अरे और वो जो लाखों रुपए तुम पे खर्च किए आज तक, वो क्या तुमसे पूछ के किए थे? बोलो बोलो। अनमोल का मोल लगा रहे हो तुम? अरे लानत है तुम पर। अरे तुझे जो समझना है समझ लो। ठीक है, आप लोगों की जुल्म की कैद से अनमोल को रिहा कराने के लिए 15 तो क्या मैं 16 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तू 2 कौड़ी का गवैया 15 जन्म भी ले तो भी 15 लाख नहीं कमा सकता। इसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। कुछ दिनों की मोहलत? मैं तो कहता हूँ कि जाने दो इसे। अरे क्या फर्क पड़ता है, एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं, अगर पैसों का इंतजाम ना हो सका तो 4th दिन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनमोल उसी की हो जाएगी जिसने 15 लाख देने का वादा किया है। ठीक है। लेकिन प्रेम तुम इतनी बड़ी रकम लाओगे कहां से? फिक्र मत करो अनमोल, अपने प्रेम पे भरोसा रखो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मोती, अनमोल का ख्याल रखना।
जी वो अभी आ रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कॉन्फ्रेंस हॉल में है। साहब से कॉल में मिलना चाहता हूँ। जी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मिस्टर प्रेम आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि इंतजार करें। जी वो इट्स ओके। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। मामला बड़ा पेचीदा है। वी गॉट अ प्रॉब्लम। अब इस चीज के लिए हमें अब तक मे आई कम इन प्लीज। आपको हमने इंतजार करने के लिए कहा था ना। क्या एक बेटे को इतना भी अधिकार नहीं कि वो बिना इंतजार किए अपने बाप से मिल सके? अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? उस अधिकार की जो आप मेरे मुंह पे मार के चले गए थे उस दिन, याद है आपको? प्रेम, तुम्हें कोई अंदाजा है कि अपनी जिद में तुम क्या छोड़ के जा रहे हो? मैं जानता हूं मैं क्या छोड़ रहा हूं डैडी। आपका ये बंगला, ये शान और शौकत, ऐश और आराम, करोड़ों का बिजनेस, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं डैडी, इस बाजे के जरिए, क्योंकि संगीत ही मेरी जिंदगी है और मोती मेरा साथी। मुझे मालूम था कि ये बाजा और ये कुत्ता जिन्हें तुम सड़क से उठाकर ले आए थे एक दिन तुम्हें सड़क पर ले जाएंगे। इस मुल्क में जहां हजारों बेरोजगार और भूखे हैं, मैं समझ लूंगा कि एक और बढ़ गया। मगर याद रखना कि एक दिन जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तो तुम्हें वापस मेरे ही पास कुत्ते की तरह दुम हिलाकर आना पड़ेगा। याद आया? जी। तो फिर किस लिए आए हो? डैडी। डैडी नहीं, सर, सर कहो। बाप बेटे के रिश्ते को तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन आप घर छोड़ के चले गए थे। जानता हूं सर, लेकिन इस वक्त मैं अधिकार के लिए नहीं, रहम की भीख मांगने आया हूं आपसे। आप लोग बैठे रहिए, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, तो बोलो क्या चाहते हो? सर, मुझे 16 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 16 लाख? जी। मैं 16 लाख में तुमने बाजा गिरवी रख दिया या वो कुत्ता, क्या नाम था उसका, मोती? इतने कीमती तो नहीं थे वो? सर, सर मुझे 16 लाख रुपए चाहिए अनमोल को छुड़ाने के लिए, प्लीज। अनमोल? कौन अनमोल? अनमोल नाम की एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन लेकिन उसके घर वाले 16 लाख रुपए मांगते हैं इस रिश्ते के लिए। आप मुझे इतनी सी रकम दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा सर, एक एक पैसा। कैसे? बाजा बजा के? नहीं, अपने आप को गिरवी रख के। आप नहीं चाहते ना कि मैं संगीतकार बनूं? मैं नहीं बनूंगा। आपके नक्शे कदम पर चलकर मैं हर वो काम करने को तैयार हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए सर, मैं आपके पांव पड़ता हूं सर। इन पैसों को दान समझकर मुझे भीख में दे दीजिए। मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे वहां पहुंचने के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी सर, कुछ भी। देखा आपने जेंटलमैन, कितनी ताकत है पैसों में। 16 लाख रुपयों की लालच ने हमारे इस खोए हुए बेटे को हमारे पास पहुंचा ही दिया। अब यह हमारी हर शर्त मानने को तैयार है, क्यों? जी ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.
के बजट में तो सिर्फ 60-70 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है। अगर हम दोनों के हाउसेज मिल जाएं, तो 1000-1500 करोड़ का फायदा होगा। वो तो है। आपने मुझसे कहा था कि माथुर अंकल से तो मिल लो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो प्रेम। भाई हमारी बेटी से मिलेगी नहीं? जी गीता बेटी। जी पापा। जरा यहाँ आना। आ बेटी। एक्सक्यूज मी डैडी। आ बेटी। बेटी मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड प्रेम। नमस्ते। हेलो गीता। ओ प्रेम। प्रेम बचपन में तो तुम कितने गोल मटोल हुआ करते थे, अब कितने हैंडसम लग रहे हो, तुम पर से तो नजर ही नहीं हटती। तुम्हारे भी तो दांतों में ब्रेसेस हुआ करते थे। ऐ चलो छोड़ो कल की बातों को, आज की बात करो। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ। हाँ जरा मैं डैडी से कुछ। देखे गीता आप तो मुझे प्रेम। देखो गीता मुझे डैडी से कुछ। कहाँ देखा एस जे साहब का लड़का और माथुर की लड़की आपस में कितना घुल मिल गए। एस जे साहब जरूर कोई बिजनेस की डील कर रहे होंगे। अरे वो बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, इस पार्टी का भी जरूर कोई मतलब है। दोस्तों आज मैं धर्मचंद्र माथुर साहब के साथ 30 साल की दोस्ती को खत्म कर रहा हूं। दोस्ती हमने खूब निभाई, मगर हम अब ये चाहते हैं कि इस दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दिया जाए। तो मेरे बेटे प्रेम और माथुर साहब की बेटी गीता की मंगनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं। आपने क्या कह दिया डैडी? क्यों आप तो आप में से चलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाद में बात। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। चलिए तो फिर चलो। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी मंगनी गीता के साथ कैसे तय कर ली डैडी? इसमें पूछने की क्या बात है, फिर पड़ गए तुम अधिकारों के चक्कर में। ये मत भूलो कि तुम मेरे पास गिरवी पड़े हुए हो। रही पैसों की बात तो क्या नाम बताया तुमने उसका? डीके खन्ना। डीके खन्ना। लो ये रहे तुम्हारे 16 लाख। अब छोड़ा लेना तुम अपनी अनमोल को। वैसे जिसका मोल लग जाए उसे हम तो अनमोल नहीं कहेंगे। चलो पार्टी में। आप जानते हैं कि मैं अनमोल से बहुत प्यार करता हूं डैडी। तो कर लो ना प्यार, कौन रोकता है तुम्हें। प्यार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, मगर शादी, शादी सिर्फ बराबर वालों के साथ होती है। जो लड़की पैसे लेकर घर आए उसे हम कहते हैं बहू, और जिस लड़की को पैसे दे के खरीदना पड़े उसे कहते हैं रखेल। डैडी मतलब ये कि रखो और खेलो। डैडी अनमोल एक नेक और अच्छी लड़की है। तो गीता में क्या खराबी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारी बचपन की दोस्त है, और सबसे बड़ी बात एक दौलतमंद बाप की इकलौती बेटी है। अरे जरा सोचो तो, अगर हम दोनों के खानदान मिल जाते हैं तो इस मुल्क के सारे बिजनेस हाउसेस पर हमारा कंट्रोल होगा। फिर खरीद लेना तुम जितनी चाहो अनमोल, और रख लेना उनको हमारी दूसरी कोठियों में। अनमोल रखेल नहीं, मेरा प्यार है डैडी। मैं उसे ब्याह करके इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। मेरे जीते जी नहीं, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ गीता के साथ। प्रेम, प्रेम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी मेरे डैडी ने मेरी मंगनी का अनाउंसमेंट सुनाया था। आप लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी, मैं उन तालियों को शुक्रिया के साथ वापस कर रहा हूं। क्योंकि इसके बाद एक लफ्ज भी बोला तो कभी माफ नहीं करूंगा। अब ये शो मेरा है डैडी। मेरे डैडी के लिए यह शादी एक बिजनेस डील है, उनके लिए मेरी ये जिंदगी एक चेक है, चेक जिस पर वो साइन करके मुझे माथुर अंकल के काउंटर पर कैश करना चाहते हैं। नो डैडी आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। एक और बात कहना चाहता हूं, वो बहुत खुश नसीब होगा जो गीता के साथ शादी करेगा, लेकिन मैं वो खुश नसीब नहीं हूं, क्योंकि मैं एक अनमोल नाम की लड़की से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। ये बकवास बंद कर। डैडी आई मीन सर, आप दूसरों की मजबूरी से फायदा नहीं उठा सकते। मैं तो घर पे आया था अपने बाप के पास कर्ज मांगने, ताकि मैं अपनी अनमोल को जालिमों के कब्जे से छुड़ा सकूं।
लेकिन घर आया तो बाप की जगह एक सौदागर मिला। एक्सक्यूज मी अंकल, आई एम वेरी सॉरी अंकल, मैं अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकता। गीता, गीता रुको, गीता गीता मैं गीता मेरी मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। गीता देखो, गीता तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मुझे गलत मत समझो प्लीज। जितना मैंने तुम्हें आज समझा है प्रेम, उतना तो पहले कभी समझा ही नहीं था। ऐसा मत कहो। देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत की मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। आज हमारे बीच अनमोल ना होती तो शायद। हमारे बीच अनमोल है प्रेम। 16 लाख जमा करने के लिए कितना वक्त है तुम्हारे पास? बस एक दिन और है। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मंगेतर ना सही प्रेम, दोस्त तो हूं ना, और दोस्ती के नाते मुझे इतना हक तो है कि आज तुम्हारे मैं कुछ काम आ सकूं। शायद ये जेवर 16 लाख से ज्यादा कीमती हो, इन्हें बेचकर अपनी अनमोल को छुड़ा लेना। नहीं गीता, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम दोस्त की मदद को एहसान समझते हो तो इन्हें एक कर समझ कर ले लो। ओके, थैंक यू गीता, थैंक यू वेरी मच। प्रेम को तो किसी तरह चक्कर चला के हमने यहां से निकाल दिया, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि अनमोल को कोठे पर कैसे पहुंचाया जाए। प्रेम के बुलावे के अलावा वो तो मौत के बुलावे पर भी नहीं जाने वाली, बगावत पर उतर आई है। और अगर किसी तरकीब से उसे ले भी गए तो उससे पहले होटल के कागजात भी तो साइन करवाने हैं, कुछ ही दिनों में वो 18 बरस की हो जाएगी। चलो ना मामा जी, जॉनी लीवर के प्रोग्राम के लिए देर हो रही है। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट और फिल्म स्टार जॉनी लीवर। भाई और बहनों धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको आपके मन पसंद प्लेबैक सिंगर की आवाज में एक गाना सुनाऊंगा। आप बताइए किसकी आवाज में गाना सुनना पसंद करेंगे आप लोग? कुमार शानू, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं 3 मशहूर फिल्म स्टारों की आवाज में उनके 3 हिट डायलॉग भी पेश करूंगा। चाचा वाह, गुनाहों की खाई में ढकेलना जानते हो लेकिन उसकी गहराई से घबराते हो। देखा चाचा, इंसान जब गिरता है तो किस गहराई तक गिरता जाता है। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है जी। ओ दुनिया के इस रंगमंच पर लाखों कलाकार आते रहे, उनमें से ही हम एक है, अपनी कला पेश करते रहे। कभी मैं रोता दुनिया
हंसती है, कभी मैं हंसता दुनिया रोती है, कभी मैं गाता दुनिया गाती है कि मैं हूँ कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। अब उनका नाम जॉनी, जॉनी का दूसरा नाम करंट, हिंदी में झटका, मराठी में फटका। अब उनकी आवाज जंग का ऐलान करती है, अब उनकी मौजूदगी मौत का पैगाम लाती है। कोई शक? ओ कठपुतली बन फिल्मों में हम सबके इशारों पर नाचा किए, रोने कहा तो रोते रहे, गाने कहा तो गाते रहे। कभी मैं प्रेमी बन के प्यार करूं, कभी मैं हीरो बन के वार करूं, कभी मैं डांसर बन के डांस करूं कि मैं हूं कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूं कौन। May I come in, please? खन्ना साहब। वाह जॉनी भाई वाह, ऊपर वाले ने भी आपको आवाज बदलने का क्या हुनर दिया है। आइए बैठिए। थैंक यू। अगर इसी आवाज से हम दो दिलों को मिला दें तो आपको दुआएं लगेंगी। समझा नहीं मैं। जॉनी भाई, मेरी एक भाजी है अनमोल, जिसको प्रेम नाम के लड़के से प्यार हो गया है। लेकिन प्रेम का दिल्ली में कार एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है, बचने की भी उम्मीद नहीं है। अनमोल अनमोल पुकार रहा है, हम उन्हें मिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी भांजी को यह सच भी नहीं बता सकता क्योंकि उसे दिल की बीमारी है। अगर उसे बताया और उसे कुछ हो गया तो मैं। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जॉनी भाई, अगर आप प्रेम की आवाज निकालकर अनमोल को दिल्ली बुला सके तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। प्रेम की आवाज तो मैंने कभी सुनी नहीं। मेरे पास उसकी आवाज है। जॉनी भाई ये सुनिए। थैंक यू दोस्तों, जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसके बोल तो मेरे हैं लेकिन धुन किसी और की है, जिसका मेरी नजरों को इंतजार है। खन्ना साहब, आप जैसे सोचने वाले कुछ और लोग भी दुनिया में हो तो प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते। क्यों, ऐसी है ना प्रेम की आवाज? बिल्कुल जॉनी भाई, बिल्कुल यही। तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तू इंतजार ही करती रहना, अब प्रेम नहीं आने वाला, समझी? मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है, वो आएगा, जरूर आएगा। अरे ओ अनमोल, दिल्ली से प्रेम का फोन है। प्रेम! प्रेम, प्रेम तुम कब आ रहे हो? अनमोल, मैं वहां नहीं आ सकता, यहाँ पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। हाँ अनमोल, पिताजी चाहते हैं कि हमारी मंगनी हो जाए और तुम्हारे 18 साल होते ही वो हमारी शादी करवा देंगे ताकि तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज ना हो, और वो कह रहे थे कि तब तक तुम्हें हमारे साथ यहाँ दिल्ली में रहना पड़ेगा। लेकिन लेकिन प्रेम, हम दिल्ली कैसे रह सकते हैं? तुम मामा जी को फोन दो, मैं उन्हें सब समझाता हूँ। मामा जी, प्रेम आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, खन्ना बोल रहा हूँ। खन्ना साहब, सब काम ठीक हो गया ना? मैं फोन रख देता हूँ। नहीं प्रेम, मैं अनमोल को लेके दिल्ली नहीं आऊंगा, तुम तो पैसे लेके पहुंचे ही नहीं। खन्ना साहब, दिल्ली से आदमी आपसे मिलने आया है। नमस्कार साहब। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, प्रेम साहब ने आपके लिए 16 लाख का ड्राफ्ट और अनमोल मेम साहब के लिए गाड़ी भिजवाई है। हेलो, हाँ प्रेम, तुम्हारा आदमी ड्राफ्ट लेके पहुंच गया है, तुम मंगनी की तैयारी करो, मैं अनमोल को लेके दिल्ली पहुंचता हूँ। मामा जी,
हमने कहा था ना कि प्रेम हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। ठीक है ठीक है। अनमोल सिन्हा, इस ड्राफ्ट के पैसे तो अनमोल के नाम है। साहब उन्होंने आपके लिए कागजात भी भेजे हैं और कहा है कि अनमोल मेम साहब के दस्तखत होने के बाद ये 16 लाख रुपए बैंक में आपके नाम जमा हो जाएगा। लेकिन लेकिन उसे ये ड्राफ्ट अनमोल के नाम भेजने की क्या जरूरत थी? आपको पैसों से मतलब है ना मामा जी? लाइए मैं दस्तखत कर देती हूँ, पैसे आपको मिल जाएंगे। ये लो, इधर करो। ये लीजिए। ठीक है ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। शाबाश धनराज भाई, वही पुष्पा बहन, आज से सारी जायदाद तुम्हारी, ये लो। माजी, अगर आप लोगों की सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। हम जा रहे हैं बहन। तो जाओ ना। मोती, 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 यही कहीं होगा, अब चलो। मोती, ओ, ओ, क्या मुसीबत है, प्रेम तो चला गया, कुत्ता हमारे गले बांध गया, कहाँ मर गया ये मोती, 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 ओफो, इस कुत्ते ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, पता नहीं कहाँ मर गया। मोती, मोती, मालकिन, जब ये गाड़ी खन्ना साहब को छोड़ने आएगी तो हम मोती को अपने साथ ले आएंगे। आप मोती को जरूर लेके आएंगे ना? हाँ बाबा, हम खुद ही छुटकारा पाना चाहते हैं इस कुत्ते से। अरे उसे एक दिन भी नहीं रखेंगे यहाँ। आइए आइए मालकिन, आओ चलो। हो गई, चलो। अनमोल दिल्ली आ गया है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप? जी मैं मौसी। ओ, ये रही आपकी अमानत अनमोल। नमस्ते जी। नमस्ते। पहला घुमा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। वाह खन्ना साहब वाह, वाकई आपकी अनमोल सच्चे मोती की तरह पाक और बेदाग है। काश मेरी भांजी को आशीर्वाद देने के लिए आज जीजा जी जिंदा होते। बेटी सुखी रहो। जय जय शुभ धन।
जय शुभ लक्ष्मी। आओ बेटी, आओ अपना दहना पाओ अंदर रखा। चलो बेटिया रानी, आओ। पहला कदम मुबारक। आओ बेटी। अरे बाबा, अरे बाबा, इतनी बड़ी कोठी है प्रेम की। अब मामा जी, प्रेम कहाँ है? बस आते ही होगा बेटी। अस्पताल गया? हाँ हाँ, अस्पताल गया है। बेटी तुम मेरे साथ अंदर चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। चलो मामा। जाओ बेटी, जाओ जाओ अंदर जाके तैयार हो जाओ, जाओ। चलो जाओ, शाबाश। चलो। आओ यहाँ बैठो। नमस्ते। बैठ। लो बेटी, ये जेवर और कपड़े पहन लो। कितना प्यार करते हैं प्रेम हमसे, कितने कीमती हैं ये जेवर और ये कपड़े। बेटी ये जेवर और कपड़े तो कुछ भी नहीं, असली कीमत तो इस नथ की है। सच मौसी? तीन टिक्के। भाई अगर तुम्हारे मामा जी ने जॉनी लीवर से फोन पे प्रेम की झूठी आवाज ना निकलवाई होती तो अनमोल क्या यहाँ से जाने वाली थी। आज रात को तो कोठे पे उसकी बोली लग रही होगी। बहुत शौक था ना उसे प्रेम से शादी करने का। अब हर रात कोठे पर बिन ब्याही दूल्हे बदलती रहेगी। इतना बड़ा धोखा, मेरी आवाज का फायदा उठाकर खन्ना ने अनमोल को कोठे में बेचने ले गया। जी इस बात की खबर पहले हमें प्रेम को देनी चाहिए। प्रेम कहां रहता है जानते हो? नहीं। ओह, सेवन एट वन जीरो सिक्स जीरो। ऑपरेटर, यस, प्लीज एक दिल्ली कॉल करना है, वेरी अर्जेंट। सॉरी सर, दिल्ली की लाइन बहुत बिजी है। मैडम जैसे दिल्ली की लाइन मिलती है तो एक नंबर लगाइए, 781060। यस सर। जी प्लीज, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इंस्पेक्टर, इस साजिश में उसकी बहन भी शामिल है, उसे भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए। सबूत मैं देता हूं, लोकल कॉल तो कर सकता हूँ। हेलो, मैं दिल्ली से खन्ना बोल रहा हूँ। बहना, खुशखबरी है। खुशखबरी? यानी अनमोल बिक गई? हाँ हाँ, बिक गई। कितने मिले? गिनते गिनते उंगलियाँ घिस जाएंगी। इतने माल लेके कब आ रहे हो? बस कल सुबह पहुँच रहा हूँ। ओके, सुन लिया इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो, ले चलो इन्हें। चलिए बैठिए आप लोग गाड़ी में। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इनका भाई खन्ना अपनी सौतेली भांजी अनमोल को प्रेम से मिलाने के बहाने दिल्ली के किसी कोठे पर बेचने के लिए ले गया। क्या? और इस साजिश में इन लोगों का भी हाथ है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेम हूँ। इन्होंने हमारी शादी के लिए 16 लाख रुपए की शर्त रखी थी, जिसे मैं अपने वादे के मुताबिक लेकर आया हूँ। बोल मिस्टर सिन्हा, शर्त की थी कि नहीं? शर्त की थी कि नहीं? अरे तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, पैसा ना। ये देखो मैं कितना पैसा लाया हूं, देखो। अब बोलो मेरी अनमोल कहां है? मेरी अनमोल कहां है? मिस्टर प्रेम, ये खुद नहीं जानती कि खन्ना उसे दिल्ली के किस कोठे पर बेचने के लिए ले गया है। ये तूने क्या कर दिया? अगर तरानी का इतना ही शौक था तो अनमोल की जगह इन दोनों को तू बेचती।
इन लोगों का अपना ठिकाना मिल जाता तुझे अपनी दलाली। मिस्टर प्रेम कंट्रोल योरसेल्फ, ले चलो इन्हें। एक बात याद रखना, अगर मेरी अनमोल को कुछ हुआ तो अनमोल की कसम तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा, जेल में आकर मारूंगा तुम सबको, और खन्ना को तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे, ढूंढ कर मारूंगा उसे। खन्ना मारी जाऊं बलहारी जाऊं मारी जुबान जले पर तुझे किसी की नजर न लगे। गुड़िया जरा दिखा तो सही बेटी, वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है तू, पर मौसी प्रेम अभी तक नहीं आए। सौ साल जिएंगे, तुमने याद किया और वो आ गए। सच शीशा टूट गया वासी, ये तो अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं बेटी, आज का दिन किसी चीज का टूटना हमारे यहाँ अपशगुन नहीं शगुन माना जाता है। ओह प्रेम कितनी देर कर दी तुमने आने। आप प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं प्रेमी। जफर साहब आइए आइए, जहे नसीब, अरे बेटी सलाम करो इन्हें, ये हमारे शहर के सबसे बड़े रईस है, सलाम करो। आइए आइए तशरीफ लाइए। धनराज वाकई तुम पत्थर की खान से हीरा उठा लाए हो। ये तो आप जैसा जौहरी ही परख सकता है। मामा जी ये सब लोग कौन है, आप कहां ले आए हमें? आपने तो कहा था कि आप हमें प्रेम के पास ले जाने वाले हैं। ये झूठ कहा था हमने। झूठ झूठ कहा था? लेकिन प्रेम ने हमें खुद यहां पे बुलाया था, हमने अपने कानों से उनकी आवाज सुनी थी। वो आवाज भी झूठी थी। क्या? हमने किसी और से तुम्हारे प्रेम की आवाज निकलवाई और तुम्हें धोखे से यहाँ पर ले आए। धोखे से हमें? लेकिन लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मामा जी? पैसों के लिए। पहले इस नीलाम घर में तेरी नीलामी होगी और फिर तेरी नथ उतरेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके आगे हाथ जोड़ते अनमोल का बोल मत लगाई मामा। हमने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत दुख सहे, जिंदगी भर आप लोगों की सेवा की मगर एक अब तक नहीं की। एक प्रेम का प्यार ही तो हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आया है। हमारे प्यार को रुसा मत कीजिए मामा, मत कीजिए। इस कोठे पर आने वाली हर लड़की रो धोकर कमसिनी का दावा करके अपनी कीमत बढ़ाती है, मगर आज हम तुम्हारे हुस्न की कीमत जो लाखों में एक है लाखों में लगाते हैं, 2 लाख। हमें बचा लीजिए, ये लोग हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं। अरे पगले, यहाँ इज्जत लूटी नहीं खरीदी जाती है। 4 लाख। अपनी छोटी बहन समझ के हमें बचा लो भैया। भैया सुन तो कमती है क्या? आप हमें इन लोगों से बचा लीजिए, आप हमारे बाप समान हैं। बाप कहना पाप है, मैं तुम्हारे इन आंसुओं में डूब के मर जाऊं, मैं तुम्हें सोने में तौलूं। 9 लाख। मौसी मौसी आप खुद एक औरत है, हमारे माथे पे दाग ना लगने दे,
बचपन हम प्रेम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे बौसी, हमें बचा लीजिए। अरे निगोड़ी, अरे नसीबा वाली है तू, जो जफर साहब ने तेरी बोली लाखों से शुरू की है, अब नाच गा के अपनी बोली बढ़ा ले चल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हम भूल ही गए थे कि ये नाच गाना भी जानती है, चल नाच। मैं नहीं नाचूंगी। लड़की, जफर की बात पर अगर कोई मर्द इनकार करे तो हम उसकी चमड़ी उतार लेते हैं, और अगर कोई औरत इनकार करे। नहीं नाचेंगे, नहीं नाचेंगे। अगर अब भी ना नाची तो नाच जमना भाई। जी। Thank you.
आंख। अगर इससे बड़ी बोली लगाने की किसी की हिम्मत हो तो ही वो इस महफिल में बैठे, वरना। सदके जाऊं, इस हीरा मंडी में आपकी बोली से बढ़कर कोई बोली नहीं सुनी। और हमने भी आज तक इस हीरा मंडी में ऐसा अनमोल हीरा नहीं देखा। धनराज जी, जमुना बाई के लिए 10,000, अनमोल की जान का सदका। चाल सरकार, क्या बात है? ओह, इन्हें तो हम भूल ही गए थे, कितने लेने से? बस सिर्फ 10,00,000 हुजूर, 10,00,000। माफ, और बोली के 5,00,000 इन्हें दे दो। मेरी भी उम्र आपको लग जाए जफर साहब, अरहम की भीख देना तो कोई आपसे सीखे। अरे ऐसी एक था, हजारों अनमोल कुर्बान आपके ऊपर। हाँ चलिए। तुम लोगों सिर्फ देखो, वो लड़की कहीं नहीं मिली। वो लड़की यहीं कहीं होगी, जाओ ढूंढो उसे। पुलिस बंदोबस्त है साहब। मैं पुलिस कुछ नहीं जानता, मैंने कीमत चुकाई है उसकी, मुझे किसी भी कीमत वो लड़की चाहिए। हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो आज रात के लिए दूसरी लड़की का इंतजाम कर दूं। अगर जफर के बिस्तर पर सिलवटें पड़ेंगी तो सिर्फ अनमोल के जिस्म से ही पड़ेंगी, समझे? जाओ। अरे धनराज, इतने सुनसान रास्ते से कहां जा रहे हो तुम? घबराइए मत खन्ना साहब, ये शहर से बाहर जाने का शॉर्टकट रास्ता है। पर ये माल तो आधा आधा कर लेते। जल्दी क्या है, शहर से बाहर निकलते ही कर लेंगे। अरे ये क्या हुआ धनराज भाई? लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, मैं देखता हूं।
Drop the bloody gun. I said, drop it! कचरा पेट्रोल में नहीं आया था, कचरा तेरी नियत में आया था। नहीं देखा ना साहब, मैं तो पहले ही जान गया था कि तू ये सारा माल हड़प कर जाना चाहता है। ये जफर साहब का हुक्म था। हुक्म किसी का भी रहा हो, लेकिन तुझे मैं ऊपर जाने का शॉर्टकट अभी बताता हूँ। आगे नहीं बढ़ना। क्या कर लोगे? देखो, हम अपनी जान दे देंगे। हर लड़की यही कहती है, मगर हमने मरते हुए किसी को नहीं देखा। अबजान, मेरी रगों में बहता हुआ ये खून आज भी लाल है, न जाने तेरी रगों में पहुंचकर ये काला और गंदा कैसे हो गया। अबजान, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारी जिद और इज्जत का मामला है। दारा शमशेर का बेटा एक मजलूम लड़की की इज्जत लूटने को अपनी इज्जत बढ़ाना कहता है? अरे, हमारे पुरखों ने बेसहारों को सहारा देकर, मजलूमों को पनाह देकर और गरीबों को इंसाफ देकर अपने खानदान का नाम रोशन किया है, और तू? हमने भी कोई गलत काम नहीं किया बाजान, इस लड़की की कीमत चुकाई है, ये हमारी रखेल है। आ!
जिस घर में खुदा की इबादत के लिए सजदे में सर झुकते हैं वहां सर उठाकर ये गंदा लत मुंह से निकालने की तेरी जरूरत कैसे हुई? बोल कैसे हुई? अब्बा जान, हाथ हमारा भी उठ सकता है। जफर, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए? छोड़ अपने अब्बा का हाथ। अम्मी जान, अब्बा जान से कह दीजिए कि अब हमारा कद इनके कद से ऊंचा हो गया है, आइंदा अगर हाथ उठाए तो सोच समझ कर। वरना क्या कर लेगा तू? आपके इस तमाचे का जवाब अपने तमंचे से भी दे सकता हूँ। अरे तमंचा तो दूर, अगर मेरे शौहर की तरफ आइंदा आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी कोख को अपने सुहाग पर कुर्बान कर दूंगी। जफर, तेरे गंदे कारनामों के बारे में सुना तो था पर यकीन नहीं होता था, आज अपनी आंखों से देख लिया। इससे पहले कि हम तुम्हें अपने दिलों से निकाल दें, निकल जा हमारे घर से। ठीक है, मैं भी देखता हूं कब तक आप इस लड़की को मुझसे बचा कर रखते हैं। अब ये लड़की दारा शमशेर की पनाह में है, दोबारा इसे छूने की कोशिश की तो तेरा ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। दफा हो जा यहां से। समझ भी नहीं आता किन नामों से पुकारे हम आपको, मां कहे, बाप कहे या भगवान। अरे नहीं बेटी। कौन हो तुम बेटी? जी अनमोल। कहां जाना है तुम्हें? अपने प्रेम के पास। फिक्र मत करो बेटी, हम तुम्हें प्रेम तक पहुंचाएंगे, आओ। तुम्हारी दर्द भरी दास्तान सुनकर बड़ा दुख हुआ बेटी, लगता है इंसानियत खत्म हो गई दुनिया में। नहीं बाबा, जब तक आप जैसे चंद नेक इंसान इस दुनिया में है, इंसानियत कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। जिस घर से हमारी चांदनी बेटी की डोली ना उठ सकी, उस घर से हम अनमोल बेटी की डोली उठाएंगे। बाबा, क्या हुआ था चांदनी को? कैंसर। उसे ना तो हमारी दौलत और ना ही हमारी दुआएं बचा पाई। उसका नाम रखते वक्त हम ये भूल गए थे कि चांदनी सिर्फ 4 दिन की होती है। खुदा के उस फैसले पर हम बहुत रोए थे बेटी, मगर चांदनी के लिए मांगी हुई दुआएं बेकार नहीं गई, ये आज पता चला। उस खुदा ने हमारी चांदनी को अनमोल बनाकर दोबारा इस घर में भेज दिया। माँ जी। सर, शहजरा फैक्ट्री के ब्लास्ट से जो लाशें मिली हैं, वो इस कदर जल चुकी हैं कि पहचानना बहुत मुश्किल है, और एक लाश के करीब मिली इस जैकेट से ये फोटो बरामद हुई है। सर, इस फोटो के पीछे इन दोनों के नाम लिखे हैं, प्रेम अनमोल। इंस्पेक्टर, इस फोटो को अखबार में। हेलो कमिश्नर साहब, मैं दारा शमशेर बोल रहा हूँ। कहिए खान साहब, कैसे तकलीफ थी? अनमोल नाम की एक लड़की मेरी पनाह में है, जो प्रेम नाम के लड़के की तलाश में यहाँ आई है। उस लड़के का पता है आपके पास? पता तो नहीं, लेकिन वो यहीं दिल्ली शहर का रहने वाला है। अगर आप क्या नाम बताए उस लड़के और लड़की का? अनमोल और प्रेम। अनमोल प्रेम। खान साहब, एक बुरी खबर है। नहीं माँ, ऐसी बात मत कहिए, हमारे प्रेम को कुछ नहीं हो सकता, ये पुलिस वाले सब झूठ बोलते हैं। ये सच है बेटी, कल रात प्रेम ब्लास्ट में मारा गया, ये जैकेट और ये तस्वीर उसी जगह से मिली है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है?
मोहब्बत, तो जिस एक जान का नाम है तो मौत एक को कैसे आ सकती है? मौत एक को कैसे आ सकती है? मौत एक को कैसे आ सकती है? नहीं, रुक जा बेटी। अनमोल, अनमोल, अनमोल बेटी रुक जा, अनमोल। बेटी, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। हमें अकेला छोड़ दो माँ, अकेला छोड़ दो। जमुना बाई कहाँ है? जी अंदर है। अरे सरकार, आप सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, कहिए क्या बात है? हमें अनमोल नाम की लड़की की तलाश है और हम आपके कोठे की तलाशी लेना चाहते हैं। हवलदार, चलो तलाशी लो। अनमोल नाम की लड़की तो कोई आई ही नहीं सरकार, बरसों बीत गए हैं, इस कोठे को नया चेहरा देखना नसीब ही नहीं हुआ। इस कोठे को तो नजर लग गई है सरकार। इंस्पेक्टर साहब, ये अनमोल की शॉल है, मैंने उसे दी थी, देखिए। अब आप पूछिए इससे कि अनमोल कहाँ है। जमुना बाई। जी सरकार। सच सच बताओ, कहाँ छुपा रखा है अनमोल को? कहाँ है अनमोल? माफी चाहती हूँ, अनमोल यहाँ आई जरूर थी लेकिन रात ही वो खिड़की तोड़ के यहाँ से भाग गई सरकार।
अनमोल जफर, छोड़ दे अनमोल को। जफर की फितरत में जिद का जहर भरा है और अनमोल मेरी जिद है। अगर ये तेरी जिद है तो इसे प्रेम तक पहुंचाने का मेरा वादा है। अपनी तलवार को म्यान में रहने दीजिए बजान, क्योंकि हमारी बंदूक से निकली ये गोली बाप बेटे के रिश्ते को नहीं पहचानती। अच्छा किया तूने जफर, जो बाप के फर्ज के रास्ते से रिश्ते की दीवार गिरा दी। अब तलवार चलाते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। रुक जा बजान। मैं आखिरी बार कहता हूं, रुक जाओ। चल, रुक जाओ जफर। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं किसी शेर मर्द के घर तुझ जैसा कीटड़ पैदा हुआ। अब तू अनमोल को यहां से नहीं लेके जा सकता। आज अगर आसमान से खुदा भी उतराए तो वो भी जफर के इरादे को नहीं बदल सकता। मत ले अपनी कंदी जबान से उस परवरदिगार का नाम। अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है, तो जैसे शैतान के खात्मे के लिए उसका यह बंदा ही काफी है। तू लड़ेगा मुझसे? आज मेरी मोहब्बत का जुनून है मेरे सर पर जफर। या तो मैं मर जाऊंगा या तुझे बिठा दूंगा। रुक जा मोती, तूने तो अपनी वफादारी निभा ली, अब मुझे लेने दे बदला इससे अपनी मोहब्बत का, अनमोल की तड़प और उसकी मजबूरी का, उस फरिश्ते पे चलाए हुए एक एक गोली का। बेगम, दो प्रेमियों को मिलाने के लिए यह कुर्बानी जरूरी थी। एक बाप आप हैं और एक मैं, जो अपनी ही बेटी की खुशियों के रास्ते में दीवार बना खड़ा था। प्रेम चले मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। अनमोल बेटी, तू
तुम्हारी धड़कन हूँ मैं, ये तुमने न जाना।